आज के बाद मेरी और वानी की जिंदगी में आने का सोचना भी मत। चली जाओ यहां से। एक माँ तेरे आगे झोली फैलाती है अपने बेटे की जिंदगी की, उसकी रक्षा का कवच बन जा। हमें राह दिखाइए कान्हा जी कि हमें क्या करना चाहिए, बहन होने का फर्ज निभाए या पत्नी होने का धर्म। या शायद हम यहाँ रहकर अपना फर्ज और धर्म दोनों निभा सकते हैं, लेकिन राघव जी को कैसे समझाऊं? ऐसे तो समझने वाले नहीं है, अपने मिश्री वाले रंग में ही समझाना होगा। यहाँ कैसे लटक गई? आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सीढ़ी गिर गई है। हम शरीर बचाइए ना, हमें बचाइए ना प्लीज। हम शरीर अरे राघव भाई, तो अपना कोई काम नहीं लटकाते, तुझे वहां क्यों लटका दिया? वो अपने भैया से पूछो ना। अरे तू देख कर है लल्ला, जा तू खींच ऊपर पहले। राघव हाथ पकड़ उसका, ऊपर खींच उसे। अरे खींच ना, गिर जाएगा। हाथ पकड़ उसका, ऊपर खींच उसे। सोच ना यार। हाँ राघव जी, बचा लीजिए ना।
दोबारा सारिया। आधा सर चढ़ा गए तुम्हें घर वालों ने, तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखानी पड़ेगी। ये सब आप क्या कर रहे हैं? वैसी वैसी लड़की नहीं है। इसकी क्या जरूरत है? शर्म तो तुम्हें वैसे भी नहीं आती। इसे धो, सुखाओ और 5 मिनट में प्रेस करके लाओ। अंडरस्टैंड? लेकिन 5 मिनट में ये सब कैसे करेंगे अब? क्यों? जुबान तो बहुत चलती है तुम्हारी, हाथ पैर नहीं चलते। और वैसे भी पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं है तुम्हारा, तो काम पे ध्यान दो। 5 मिनट, 5 मिनट में ये शर्ट प्रेस हो जानी चाहिए। और याद रहे, ये शर्ट इस घर के मालिक की है, जहां की तुम नौकरानी हो। ओ जानिए हीरिए, ओ जानिए जी ने पहली बार हमें उनका कोई काम दिया, हम इसे इतने अच्छे से इस्त्री करेंगे कि कम से कम इस बात के लिए तो वो हमसे खुश हो जाएंगे। कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। वो आप मिश्रे की फोटो क्यों खींच रहे थे? वो एक छोटी बच्ची है, काम वाली। मैं बस आपको समझा रही थी कि ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छी तो मुझे तुम भी नहीं लगती, पर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि ये सब सही नहीं। सही तो ये भी नहीं है कि तुझ जैसी औरत के साथ मेरी शादी हुई, जो अभी तक मुझे एक औलाद का सुख भी नहीं दे पाई। चल हट यहां से। शायद आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कान्हा जी ने हमें औलाद का आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं जो इंसान एक अच्छा पति नहीं बन सका वो अच्छा पिता क्या बनेगा। मिश्री, राघव का फोन कहाँ है? अरे तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कहा था ना मैं फोन लेने आऊंगी। दीदी आप बहुत गलत सोच रही है। मिश्री, अगर राघव की जिंदगी में कोई और लड़की हुई ना तो तुम देख लेना, मैं राघव से कभी बात नहीं करूंगी और उस लड़की को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब चलो, राघव का फोन ला करता हूं। मुझे मिश्री, मैंने तुमसे राघव का फोन मांगा था, तुम्हारा फोन नहीं। तुमने झूठ बोला मुझसे। नहीं दीदी, इसमें सबूत भी है। कहाँ है सबूत? हेरा। कहाँ है इसमें? अभी भी नहीं दिख रहा है। मिश्री, क्या दिख रहा है इसमें? प्यार, जो राघव जी को आपसे और वो उनके फोन में देखने से नहीं मिलेगा, उनकी आंखों में झांकने से मिलेगा। दीदी, जो हमारी आंखें है ना, वो हमारे दिल की खिड़की होती है, तो आप जो भी दिल में सोचो वो आंखों में नजर आता है। और ये देखो, उनके जो आंखों की चमक है ना,
वो आपको देख के कैसी बदल जाती है, उनके चेहरे की मुस्कान बदल जाती है आपके साथ खड़े होकर। तो दीदी, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उनके दिल में सिर्फ आप हो। हर लोग तो ऐसा प्यार चाहते हैं, और आप तो इतनी भाग्यशाली है कि आपको ऐसा प्यार करने वाले राघव जी मिले। दीदी, अपनी सखी वजह से खुद अपने प्यार पर नजर मत लगाने दो। देखो, ये जो शक होता है ना, ये एकदम दीमक की तरह होता है, पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आपका रिश्ता खा जाता है। मिश्री, मैंने तुम्हें एक काम करने के लिए बोला था, एक तो तुम्हें कोई काम नहीं किया, ऊपर से तुम प्यार करने वाले कहानियां सुना रहे हो मुझे। मिश्री, ये कोई फिल्म नहीं है, ये मेरी असली लाइफ है, और अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो जरूर मैंने राघव की आंखों में किसी और की तस्वीर देखी होगी ना। मिश्री, मेरे दिल में राघव के लिए बहुत प्यार है, पर जरूर मैंने राघव के दिल में किसी और के आने की आहट सुनी होगी ना, तभी मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे हैं। दीदी, दीदी,